फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं डोमिनो स्टाइल बर्गर पिज्जा अपने ही घर में। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, बच्चों का फेवरेट, बच्चों की पार्टी में जरूर इसे ऐड कर सकते हैं और घर का बना हुआ है तो मनपसंद टॉपिंग्स के साथ बना सकते हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बर्गर पिज्जा, लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं, अच्छे से छील कर हमने ग्रेट कर लिए हैं। इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप उबले हुए मटर, आधा चम्मच हम मिलाएंगे फ्रेशली मेड जिंजर और हरी मिर्ची का पेस्ट। अब इसमें मिलाएंगे हम बारीकी से काटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिलाइए काली मिर्ची, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच नमक। सबसे पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम बाइंडिंग के लिए इसमें 1/4 कप पोहे मिलाएंगे। अच्छे से सबको हमने मिक्स कर लिया है, इसमें हम मिलाएंगे पोहा भीगा हुआ। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने एक अच्छे से डो टाइप का रेडी कर लिया है मिक्स। अब हम एक स्लरी रेडी करेंगे, उसके लिए हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 चम्मच ही हम रिफाइंड फ्लोर या मैदा लेंगे। इसमें हम मिलाएंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पानी डालकर हम स्लरी रेडी करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी में डाल रही हूँ, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालिए क्योंकि काफी पतला हो जाएगा, लम्स भी फिर आप इसके ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है। देखिए काली मिर्ची इतने अच्छे से दिखाई दे रही है। मैंने इसे बड़े बोल में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि हमें टिक्की इसमें डिप करनी पड़ेगी। हम इस आलू के मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके राउंड टिक्की फॉर्म में बना सकते हैं। आप चाहें तो इस मिक्सचर को फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब गेस्ट आने वाले हों तो इससे आप टिक्की बनाकर तुरंत बर्गर रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से एक आप टिक्की फॉर्म कर लीजिए। इस तरह से हमने टिक्की रेडी कर ली है, आप अपने चॉइस से मोटाई रख सकते हैं। अब इस टिक्की को हम सबसे पहले थोड़े से ब्रेड क्रम्ब से लपेट लेते हैं। इस तरह से, और अब हम तैयार की हुई स्लरी में इसको डिप करेंगे। रेडी हुई स्लरी में हम डिप कर दे रहे हैं, अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। अब इसे हम एक बार फिर से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इससे हमारी टिक्की काफी क्रिस्पी बनेगी। अच्छी तरह कोट कर लीजिए। अब ये हमारे अच्छे से कोट हो चुकी है। इस स्टेज पर भी आप डीप फ्रिज में रख सकते हैं, हमने ऑयल गर्म कर लिया है, इसे अब हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम रखकर हम टिक्की को फ्राई करेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालकर इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे।
टिक्की को अब हमने टर्न कर लिया है, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम गोल्डन कर लेंगे। टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम सभी को इसी तरह से बना लेंगे। पैन में हमने एक चम्मच हर्ब्ड बटर जो आता है मार्केट में अवेलेबल अमूल का, वो हमने लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कली लहसुन की बारीकी से काटी हुई, सौते कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बारीकी से काटा हुआ प्याज, थोड़ा इसे सौते कर लेते हैं। अगर आप अनियन पसंद नहीं करते आप इसे स्किप कर सकते हैं। ज्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं ग्रेटेड कैरेट डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। इसे भी थोड़ा सा हिला लेते हैं अच्छे से। इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच फ्रोजन कॉर्न, 2 चम्मच हम मिलाएंगे ग्रीन कैप्सिकम काटी हुई बारीकी से, 2 चम्मच हम मिला लेते हैं रेड कैप्सिकम, ये भी क्यूब्स में काटी हुई है हमने। सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, सौते कर लेंगे। सब्जियां हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची रखना है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स, नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1/2 चम्मच के लगभग ले रही हूँ मैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच टमेटो केचप और ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप चाहें तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं या अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। सबको अब हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। बस अब 1 मिनट सौते कर लीजिए और हमारी पिज्जा टॉपिंग्स एकदम रेडी हो जाएगी। पिज्जा टॉपिंग्स हमारी रेडी है, मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। हमारा ये बन है, इसे हम बीच में से कट कर लेंगे नाइफ की मदद से। इस तरह से 2 पोर्शंस हो गए हैं। अब एक बन के ऊपर हम लगाएंगे रेडी जो हमें मिलता है, इस तरफ मैं लगा रही हूँ। अब इसमें मैं लगा लूंगी मेयोनीज, मैं यहाँ पर वेज मेयोनीज यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देते हैं और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, और ये पोर्शन हमारा रेडी है। अब इस पोर्शन के ऊपर मैं लगा रही हूँ रेडी पिज्जा सॉस जो मार्केट में मिलता है, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ टॉपिंग जो हमने प्रिपेयर की है, 2 चम्मच के लगभग। अच्छे से आप इवनली स्प्रेड कर लीजिए। ऊपर हम ग्रेट करेंगे चीज। अब इसके ऊपर हम रखेंगे कुछ हैलोपीनोज, आप ऑलिव्स भी रख सकते हैं। और अब हम रखेंगे हमारी रेडी की हुई आलू टिक्की। अब इसके ऊपर हम हमारा सेकेंड पीस ऑफ बर्गर बन रख लेंगे और इसके ऊपर हम कुछ अपनी पिज्जा टॉपिंग्स रखेंगे। और इसके ऊपर हम ग्रेट कर देंगे चीज। अब इस तरह से हमारा बर्गर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी एक फाइनल स्टेप बाकी है। हम अवन में नहीं बना रहे हैं डोमिनोज स्टाइल,
बर्गर, बट हम बनाएंगे कढ़ाई में। मैंने इस तरह से बड़ी कढ़ाई ली है, उस पे मैंने सॉल्ट डाला हुआ है। इस सॉल्ट मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज्ड है। इसके ऊपर मैंने एक जाली रख दी है। इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख रही हूँ, केयरफुली आप रखिए। और यहाँ पर मैं अब रख दूंगी अपना बर्गर, पर उसके पहले हम थोड़ी देर ढक्कन लगाकर इसको गर्म करने देंगे। अब हमारा अंदर काफी गर्म हो चुका है, मैं इस बर्गर को इसमें रख दूंगी और इसे हम ढककर कुक करेंगे चीज मेल्ट होने तक। लगभग 7 से 8 मिनट हम इसे अच्छे से कुक हो जाने देंगे। कवर कर दे रही हूँ, चेक कर लेते हैं। चीज हमारी मेल्ट हो चुकी है, इस पे मैं डाल दूंगी थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हम डालेंगे हर्ब्स। बहुत ही टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग लग रहा है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। सो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हमारा डोमिनोज स्टाइल पिज्जा बर्गर, बहुत ही यमी डिलीशियस और बहुत ही अच्छी टॉपिंग्स के साथ में। बच्चे से बहुत ही लाइक करेंगे और घर का बना हुआ तो हेल्दी भी है और मनपसंद आपकी टॉपिंग्स के साथ आप इसे बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।